अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलिएगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जॉनथन की जेल के भागने की खबर हर जगह फैल गई है। वहीं जॉनथन की किताब भी अब पब्लिश हो चुकी है, पर मिस्टर नॉरल उस किताब से एक जादू का प्रयोग करके जॉनथन की सारी छपी किताब को गायब कर देते हैं, जिसके बाद हम जॉनथन को देखते हैं जो फिर से फेरी को समन करता है, लेकिन इस बार भी वो जॉनथन को दिखाई नहीं देता। फिर सीन कट होकर एक इंसान और उसकी बेटी पर मुड़ती है, जो कि अपने कलीग की पत्नी से मिलने आते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उसकी पत्नी पागल हो चुकी है और उसके पूरे कमरे में कैट्स ही कैट्स घूम रही है, और फिर वो उनके सामने ही एक बर्ड को कच्चा खाने लगती है, जो घिनौना दृश्य देखकर वो निकल जाता है। अब जिस गली में वो लोग गुजर रहे होते हैं उसी गली में जॉनथन भी होता है। वो किसी इंसान से कुछ मांग रहा होता है, लेकिन उनकी भाषा अलग होने के कारण वो समझ नहीं पाता। पर तभी उस बूढ़े इंसान की बेटी फ्लोरा जॉनथन की मदद करती है। दरअसल जॉनथन इस वक्त इटली के वेनिस शहर में मैडनेस स्पेल की खोज में होता है, लेकिन वो इंसान मना कर देता है। और फिर हम जॉनथन और उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। फ्लोरा फिर जॉनथन के इटली आने का कारण पूछती है, जिस पर वो बताता है कि मैं एक फेरी को समन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। जिसके बाद फ्लोरा अपने यहाँ होने का कारण बताती है कि वो यहाँ पर किसी से मिलने आई थी, जो कि एकदम पागल हो गई है, जो एक बर्ड को भी कच्चा निकल गई। फिर सीन शिफ्ट होकर असाइलम की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस स्ट्रीट मजिशियन को मिस्टर सेंगुडोस और हनीफूट ने बंदी बना रखा है, और जब स्टीफन वहाँ से गुजर रहा होता है तब स्ट्रीट मजिशियन मांग करता है कि मुझे यहाँ से आजाद कर दो, मैं तुम्हारे लिए ही इतने दूर से आया हूँ, क्योंकि मैं ही तुम्हें फेरी से आजादी दिला सकता हूँ। जिसे सुनकर स्टीफन हैरान हो जाता है कि इसे फेरी के बारे में कैसे पता है। फिर हम मिस्टर नॉरल को देखते हैं जो जॉनथन को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उसने उसकी पत्नी को बचाने में उसकी मदद नहीं की, और अब उन्होंने जॉनथन की किताबें भी बर्बाद कर दी, इसलिए उन्हें डर होता है कि जॉनथन उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन जॉनथन का कुछ पता नहीं चलता। जिस पर फिर जॉन सुझाव देता है कि हमें ड्रॉलाइट की मदद लेनी चाहिए, इसलिए मिस्टर नॉरल ड्रॉलाइट से जेल मिलने जाते हैं, और अब वो उससे आजादी के बदले सौदा करते हैं कि तुम्हें जॉनथन का पता लगाकर उस पर नजर रखनी है, जिसकी सारी जानकारी तुम्हें मुझे लाकर देनी है। इसलिए वो लोग फिर ड्रॉलाइट को रिहा कर देते हैं। अब उसके बाद हम जॉनथन को देखते हैं जो फ्लोरा और उसके पिता का पीछा करते हुए उस मैड लेडी के पास पहुंच जाता है, और जब फ्लोरा और उसके पिता वहां से चले जाते हैं तब जॉनथन चुपके से उस मैड लेडी के पास जाता है, जो एक मरा हुआ चूहा लाने जा रही होती है, लेकिन जॉनथन उसके हाथ से वो चूहा लेकर उस पर कुछ स्पेल्स करता है, और उसके बाद वो चूहे को मैड लेडी को खाने को दे देता है, और फिर जैसे ही वो उस चूहे को खाती है वो लेडी इंसान से कैट में बदल जाती है। अब उसके बाद जॉनथन उस चूहे को जैसे ही अपने मुंह में रखता है वो भी पागल होने लगता है, जिसे देखकर उसे बहुत ही खुशी होती है, और फिर वो उस चूहे को लेकर वहां से निकल जाता है। फिर हम मिस्टर नॉरल को देखते हैं जो मैजिक बॉल में जॉनथन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। तब जॉन मिस्टर नॉरल को याद दिलाता है कि जब हम पहली बार लंदन आए थे तब एक स्ट्रीट मजिशियन ने हमें रेवन किंग के बारे में सावधान किया था कि एक नेमलेस गुलाम होगा जो रेवन किंग बनेगा, जिससे रेवन किंग फिर से हमारी दुनिया में आएगा, जो उसकी किताब में लिखा है। जिस पर फिर जॉन उसे अपना टैरो कार्ड फेंक कर कहता है कि ब्लैक टावर पर रेवन आते दिखाई दे रहे हैं, जिसे जानकर मिस्टर नॉरल भी हैरान हो जाते हैं। फिर हम जॉनथन को देखते हैं जो अपने घर लौटकर उस चूहे को एक लिक्विड बोतल में डाल देता है, और उसके बाद वो थोड़ा सा लिक्विड खुद पीता है, जिससे वो थोड़ा सा पागल होना शुरू हो जाता है, और फिर उसी हालत में फेरी को समन करता है, और इस बार वो जॉनथन को दिखाई भी देता है, जिससे जॉनथन उसके साथ काम करने की इच्छा जाहिर करता है, जिस पर फेरी मान भी जाता है, जिसके बाद वो कैंडल बुझा देता है, जिससे फेरी भी गायब हो जाता है, और अब अपने जादू को काम करता देख जॉनथन बहुत खुश हो जाता है। वहीं अब हम स्ट्रीट मजिशियन को देखते हैं, जिसे स्टीफन जेल से निकाल
निकालकर आजाद कर देता है। और फिर रास्ते में स्ट्रीट मजिशियन कहता है कि नेमलेस सर्वेंट सिल्वर क्राउन पहनेगा और वही रेवन किंग बनेगा। जिस पर फिर स्टीफन सवाल करता है कि तुम्हें कैसे पता नेमलेस स्लेव और फेरी के बारे में। जिस पर वो जवाब देता है कि मैंने ये किताब में पढ़ा है जिसे खुद रेवन किंग ने ही लिखा था, जिसमें दो जादूगर की डेस्टिनी लिखी है, जिन दोनों को मैंने उनका डेस्टिनी बता दिया है और उनमें से एक तुम हो, क्योंकि तुम ही नेमलेस गुलाम बनोगे और अब मेरा काम पूरा हो गया है। फिर इसके बाद हम जोनाथन को देखते हैं जिसे रास्ते में फ्लोरा अपने पिता के साथ मिल जाती है, जिसे वो खबर करता है कि उसका जादू काम कर गया क्योंकि मैं फेरी को समन करने में कामयाब रहा, जिसे सुनकर फ्लोरा भी खुश हो जाती है। और यहाँ हम नोटिस करते हैं कि फ्लोरा जोनाथन को पसंद करने लगी है। पर अब जब जोनाथन खरीदारी करके लौट रहा होता है तब फ्लोरा के पिता उसे न्यूज़पेपर दिखाते हैं, जिसे देखकर जोनाथन को पता चल जाता है कि मिस्टर नॉरल ने उसकी सारे किताबें नष्ट कर दी। लेकिन अब जोनाथन को इससे फर्क नहीं पड़ता और फिर सीधे अपने रूम की तरफ भागता है, जिसे ऐसा करते डॉलाइट भी देख लेता है जो अपनी नजर उस पर बनाए रखा था। अब अपने रूम में पहुंचकर अपनी खरीदी हुई ड्रेस को साइड में चेयर पर रखकर वो वही चूहे वाली लिक्विड को पीता है, जिसके बाद वो फेरी को फिर से समन करता है। जोनाथन अब फेरी को अपनी पत्नी को रिजरेक्ट करने की मांग करता है, लेकिन फेरी मना कर देता है। पर जोनाथन याद दिलाता है कि ये मुमकिन है, जैसा कि इंग्लैंड में एक लड़की को किया गया था। पर इस पर फेरी जवाब देता है कि लेडी पोल की बात अलग है, जिससे जोनाथन को पता चल जाता है कि लेडी पोल को फेरी ने ही जिंदा किया था। इस पर अब वो फेरी से सब रिवील करने की मांग करता है, पर फेरी इस पर भी साफ मना कर देता है। लेकिन जोनाथन अब मांग करता है कि उसकी इच्छा पूरी करने के लिए कि लाश इंग्लिश जादूगर से तुमने बदले में जो लिया मुझे वो चाहिए, जिस पर भी फेरी मना कर देता है, जिसके बाद गुस्से में वो कैंडल बुझा देता है। पर फेरी तो गायब हो जाता है, लेकिन एक छोटा बॉक्स वहीं पर प्रकट हो जाता है जिसमें लेडी पूल की कटी हुई उंगली थी। दरअसल जब फेरी को कोई समन करता है तो उसे समन करने वाले की इच्छा पूरी करनी ही पड़ती है, इसलिए लेडी पूल की फिंगर जोनाथन को मिली क्योंकि लास्ट इंग्लिश जादूगर मिस्टर नॉरल ही था जिससे फेरी ने लेडी पोल का सौदा किया था। और अब अगर ये उंगली को ले जाकर लेडी पोल के फिंगर से जोड़ दी जाए तो लेडी पोल लॉस्ट होप से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। इसलिए जोनाथन उस चूहे वाले लिक्विड को फिर से पीकर उस फिंगर वाले बॉक्स से कहता है कि मुझे वहीं ले चलो जहां से तुम आए हो। और फिर जोनाथन को वो बॉक्स मिरर के अंदर से लॉस्ट होप में ले जाता है। और अब जोनाथन भी फेरी की दुनिया से होते हुए जल्दी फेरी के महल को ढूंढ निकालता है, जहां वो स्टीफन, लेडी पोल और अपनी पत्नी को भी देखता है, जिसके पास वो तुरंत जाता है। लेकिन एनाबेल फेरी के किए हुए जादू के कारण जोनाथन को पहचान नहीं पाती और इतने में ही फेरी आ जाता है। जोनाथन उसे अपनी पत्नी को लौटाने की मांग करता है, जिस पर फेरी जवाब देता है कि जो तुमने मांगा मैंने वो तुम्हें दे दिया और अब मेरी बारी है। जो कहने के बाद वो जोनाथन पर अपनी पूरी शक्ति के साथ हमला करता है, जिससे जोनाथन गायब होकर अपने घर लौट आता है। अब उसके बाद हम स्टीफन को देखते हैं जो एक तालाब के किनारे झटके से जगता है। वो स्ट्रीट मजिशियन से कहता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, तुमने तो कहा था कि मुझे फेरी से आजादी मिलेगा पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आखिर कहाँ है वो किताब। जिस पर वो जादूगर अपने सारे कपड़े निकाल देता है और अब हम देखते हैं कि उसके पूरे शरीर पर गजनी की तरह कुछ लिखा हुआ था। और फिर वो रिवील करता है कि मैं ही रेवन किंग का जीता जागता किताब हूँ। उसके बाद हम इटली का सीन देखते हैं जहाँ एक घर के ऊपर तूफान मंडरा रहा होता है और डर के मारे हर तरफ मातम मचा था। और वहीं फ्लोरा तेजी से उस तूफान की तरफ भागती है, जिसके पीछे उसके पिता भी जाते हैं। और फिर देखते ही देखते फ्लोरा उस तूफान से होते हुए जोनाथन के कमरे में पहुंच जाती है, जहाँ फ्लोरा जोनाथन से सवाल करती है कि उसके घर पर तूफान कैसे आ रहा है। जिस पर वो रिवील करता है कि ये जरूर उस फेरी का श्राप है, उसने मेरी पत्नी को इटर्नल ब्लैक टावर में कैद कर दिया
लिया है और अब जहाँ भी वो जाएगा ये तूफान भी वहीं आएगी। वहीं इन सब का पीछा करते करते ड्रोलाइट भी ब्लैक टावर के पास पहुंच जाता है। फिर सीन चेंज होकर इटली की तरफ मुड़ जाती है जहाँ वो तूफान ड्रोलाइट के पीछे पड़ जाता है जो उसे अपने साथ टावर में ले जाता है। अब यहाँ पर सीन फिर से कट होता है और अब हम स्टीफन और उस स्ट्रीट मजिशियन को एक पेड़ के पास जाते हुए देखते हैं जहाँ मजिशियन कहता है कि यहीं पर तुम नेमलेस गुलाम बनोगे क्योंकि यहीं पर महान रेविन किंग आएंगे और यहीं पर तुम्हें फेरी से मुक्ति मिलेगी। और फिर देखते ही देखते वहाँ पर फेरी आ जाता है जिसे स्ट्रीट मजिशियन की बातों पर गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो वहीं पर उसकी जान ले लेता है और फिर स्टीफन को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके बाद हम ड्रोलाइट को देखते हैं जिसकी आंखें जॉनाथन के घर पर खुलती है। वो उसे लेडी पोल की फिंगर और एक पत्र भी देते हुए कहता है कि ये फिंगर लेडी पोल की है जिससे वो ठीक हो जाएगी। वो जॉन के लिए एक पत्र भी देता है कि मिस्टर नॉरेल को बताना कि मैं जल्दी आ रहा हूँ और मैजिक को फिर से इंग्लैंड में स्थापित करूंगा। जिसके बाद हम मिस्टर नॉरेल को देखते हैं जो सामान पैक करके लंदन शहर छोड़ने का प्लान बना रहे होते हैं और तभी उन्हें मिरर में से कुछ अजीब डरावनी आवाजें सुनाई पड़ती है। और जब वो मिरर के पास जाकर देखते हैं तो मिरर के दूसरी तरफ रेवेंस मिरर को तोड़ते हुए निकलते हैं और वो सीधे मिस्टर नॉवेल पर टूट पड़ते हैं। और इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।